देखिए, जो आज का टॉपिक है कोहेरेंट रिस्क मेजर्स, जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आइए इस टॉपिक को समझते हैं, बिकॉज ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो पहले तो आपको समझना है कि कोहेरेंट का मीनिंग होता क्या है। देखो, कोहेरेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स विच इज वेरी क्लियर, राइट। तो इसके बाद लिखा हुआ है रिस्क मेजर्स, राइट। रिस्क मेजर्स का मतलब क्या होता है कि मापने का तरीका, राइट। रिस्क को मापने के वैसे तरीके जो कि काफी लॉजिकल है, इस पार्टिकुलर टॉपिक में हमें पढ़ना है, राइट। तो अब जैसे रिस्क मापने का जो तरीका आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में और इस सेमेस्टर में भी, ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं आपको फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे आपने, आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्क को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बीटा से करते हैं, उसके अलावा कैसे करते हैं आप रिस्क को असेस, आप रिस्क को असेस करते हैं वैल्यू एट रिस्क। आपने सीखा है प्रीवियस सेशन में कि कैसे उसका फॉर्मूला होता है, कैसे रिस्क को असेस करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं रिस्क को असेस करने के, राइट। ये रिस्क मेजरमेंट का ये सारा अलग अलग तरीका है, राइट। अब इसमें से ये सारे तरीके कोहरेंट हैं या नहीं है, उसके लिए चार क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। वो चारों क्राइटेरिया मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क मेजरमेंट से मतलब ये है कि जितने भी रिस्क मेजरमेंट्स के टूल्स आपने पढ़े हैं वो सब ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सारे के सारे लॉजिकल हैं या नहीं है वो सारे इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ मान के चलता हूँ कि मेरे पास दो पोर्टफोलियो है, एक्स एंड वाई, ठीक है। पोर्टफोलियो आपको पता है, पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, राइट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो रो एक्स है रो वाई है ये क्या है, ठीक है। देखो, ये रो एक्स एंड रो वाई इन पोर्टफोलियोज का अलग अलग रिस्क है, ठीक है। अब आप कहिएगा, सर रिस्क को तो हम लोग सिग्मा से दिखाते थे, राइट। रिस्क को तो हम लोग वार से दिखाते थे, अब ये नया टर्म आप क्या लेके आ रहे हैं, रो, ठीक है। तो देखो, ये रो कुछ नहीं है, रो अभी जैसे हम टॉपिक क्या हमारा रिस्क मेजरमेंट, ठीक है। कौन से ऐसे रिस्क मेजरमेंट के तरीके हैं जो कोहरेंट हैं उसको असेस करना है, ठीक है। तो यहां मान के चलेंगे कि रो ऑफ पोर्टफोलियो एक्स इज द रिस्क, ठीक है, कैन बी आइदर सिग्मा एक्स और वेरियंस ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ एक्स, ठीक है। शॉर्टफॉल ऑफ एक्स आपके सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो इसको मैंने कवर नहीं किया है, बट ये भी एक रिस्क असेस करने का तरीका है, तो आपको मान के चलना है, ठीक है। तो इट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, राइट। सो अब जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना कि सिग्मा एक्स ही लिखिए या वेरियंस वॉर ऑफ एक्स लिखिए या एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ एक्स लिखिए। तो उसको जनरलाइज कर दिया हमने, क्या रख लिया यहाँ पे, रो ऑफ एक्स रख लिया, ठीक है। तो रो ऑफ एक्स मान के चलेंगे यहाँ पे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो एक्स है। सिमिलरली रो ऑफ वाई कैन आइदर बी सिग्मा ऑफ वाई और वेरियंस, सॉरी अगेन एंड अगेन वेरियंस मुंह से निकल जा रहा है जो कि गलत है, इट इज वार, ठीक है, वार ऑफ वाई एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ वाई, ठीक है। तो ये तीनों रिस्क मेजरमेंट का तरीका है जिसको हम लोग रो से जनरलाइज कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब वो चार ऐसे कौन से कंडीशन है जो हमें देखने हैं जिसको अगर रिस्क मेजरमेंट के तरीके ने, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे वो वार ऑफ वाई हो, वार मतलब क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क ऑफ वाई हो और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हो, अगर उस चार क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया तो उस पार्टिकुलर रिस्क मेजरमेंट तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो कोहरेंट रिस्क मेजर्स है, ठीक है। अब देखो, ये डेफिनेशन हुआ आपका कोहरेंट रिस्क मेजर का, ठीक है। कोहरेंट रिस्क मेजर इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिसिटी, पहला तो ये हो गया, ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया सब एडिटिविटी, थर्ड इज वन योर होमोजेनिटी एंड फोर्थ वन इज योर ट्रांसलेशन इनवेरियंस, ठीक है। वन बाय वन इन चारों चीजों को देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ये चारों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तभी आपका कोहरेंट रिस्क मेजर वो पार्टिकुलर रिस्क असेसमेंट का तरीका कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, मोनोटोनोसिटी में होता क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि इफ पोर्टफोलियो वाई ऑलवेज हैज बेटर वैल्यूज देन पोर्टफोलियो एक्स अंडर ऑलमोस्ट ऑल सिनारियोज देन द रिस्क ऑफ वाई शुड बी लेस देन रिस्क ऑफ एक्स, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि अगर वाई में हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है एक्स के कंपैरिजन में, ठीक है, दैट मीन्स पोर्टफोलियो वाई हमारा लेस रिस्की होगा पोर्टफोलियो एक्स के कंपैरिजन में, ठीक है, अंडर ऑल सिनारियोस, ठीक है, अंडर ऑल सिनारियोस का मतलब जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहे, वो ऊपर नीचे ना हो। तो अगर पोर्टफोलियो वाई अच्छा रिटर्न दे रहा है पोर्टफोलियो एक्स से, दैट मीन्स जनरल पब्लिक तो यही समझेगी ना कि पोर्टफोलियो वाई लेस रिस्की है पोर्टफोलियो एक्स से, बिकॉज पोर्टफोलियो एक्स कम रिटर्न दे रहा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, इफ वाई डोमिनेट्स एक्स देन वाई इज लेस रिस्की, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, देखो इसको ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, पहले तो ये डिफाइन कीजिएगा फिर ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, वाई डोमिनेट कर रहा है एक्स को, यानी वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, देन आपका ये क्या है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो एक्स, रो ऑफ पोर्टफोलियो एक्स इज ग्रेटर देन रो ऑफ पोर्टफोलियो वाई। रो का मतलब क्या है, रिस्क, जैसे ही ब्रैकेट के आगे रो लगा देंगे उसका मतलब वो रिस्क हो जाएगा, ठीक है। अगर y अच्छा रिटर्न दे रहा है x से, दैट मीन्स y का रिस्क x से कम है, जो चीजें यहां लिखी गई हैं, सेम चीज है यहां पे वर्ड्स में लिखा गया है, यहां पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिमाइंड करके फिर से सुन लो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो पोर्टफोलियो एक्स और वाई मैंने ले लिया है, इसका रिटर्न ये दिया हुआ रिस्पेक्टिव, एंड दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि आपको लेस रिस्की लग रहा है और कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो है जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो अच्छा रिटर्न तो वाई दे रहा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, एक पोर्टफोलियो वाई ऑलवेज हैज बेटर वैल्यूज देन द पोर्टफोलियो एक्स, रिटर्न अच्छा दे रहा है, और अंडर ऑल सिनारियोस मतलब बाकी सिनारियोस देखे दोनों का रिस्क सेम है, ठीक है। तो कौन सा आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे, आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे वाई, ठीक है। तो यही यहां पे बताया गया है कि अगर वाई का रिटर्न एक्स से अच्छा है, दैट मीन्स वाई का जो रिस्क है वो एक्स से कम होगा, ठीक है, इसमें यह बताया गया है, इसका ये मोनोटोनोसिटी में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं इसमें जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको आगे के क्लासेस में, आगे हायर एडुकेशंस में आप लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये आपको समझ में आ गई होगी, इसको आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है सब एडिटिविटी का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए, इसका मतलब ये बोल रहा है द रिस्क ऑफ टू पोर्टफोलियोज टूगेदर, ठीक है, अब दो पोर्टफोलियोज को कंबाइन कर रहा है ये, ठीक है, अलग अलग सेपरेट पोर्टफोलियोज थे एक्स और वाई, अभी दोनों को पोर्टफोलियो एक करके एक बना दिया, ठीक है। एक बनाने के बाद द रिस्क ऑफ टू पोर्टफोलियोज टुगेदर कैन नॉट बी मोर देन एडिंग द टू रिस्क सेपरेटली, अभी रिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओनली रिस्क देखेंगे, पहले पोर्टफोलियो को कंबाइन करेंगे उसका रिस्क देखेंगे और फिर अलग अलग जो रिस्क था पोर्टफोलियोज का रिस्पेक्टिव उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कंबाइन करने के बाद, कंबाइन कब करते हैं, कंबाइन का आपने पढ़ा भी होगा, कंबाइन करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक्स को अगर आप एक जगह पे कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट, कि अगर एक खराब होगा तो सबको खराब करेगा, राइट, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही है, अगर दो पोर्टफोलियोज में अलग अलग उनके स्टॉक्स होंगे और उनको भी कंबाइन कर दिया तो एक नया पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो पोर्टफोलियो को कंबाइन किस लिए करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और डाइवर्सिफिकेशन किस लिए करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो वही चीजें यहां पे लिखी गई है, द रिस्क ऑफ टू पोर्टफोलियोज टुगेदर कैन नॉट बी मोर देन एडिंग द टू रिस्क सेपरेटली, ठीक है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट यहां मिलेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क शुड नॉट एक्सीड सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन शुड नॉट इंक्रीज द रिस्क, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो अलग अलग दो पोर्टफोलियो थे एक्स और वाई, अभी इसको कंबाइन कर दिया और अब इसका रिस्क देखेंगे। तो जब कंबाइन करते हैं तो रिस्क क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, राइट, तो देखो यहां पे कम हो गया, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग जो इनका रिस्क था उन दोनों को ऐड करने पे, और अब जो रिस्क आ रहा है दोनों को कंबाइन करने के बाद, वो रिस्क इन दोनों को अलग अलग ऐड करने से कम आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन फॉर्म में है और ये वर्ड फॉर्म में है, ये आपको लिखना है, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे देखो पोर्टफोलियो एक्स एंड वाई है, ये सारी चीजें दी हुई थी और इनका वेट्स 50% है। अभी जब दोनों को कंबाइन करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला,
ठीक है, जब पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स रहते हैं तो उनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, याद करो रूट अंडर वेट ऑफ फर्स्ट पोर्टफोलियो इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट पोर्टफोलियो का होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सेकेंड पोर्टफोलियो इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकेंड पोर्टफोलियो उसका होल स्क्वायर प्लस टू इंटू पोर्टफोलियो एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स देन पोर्टफोलियो वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इंटू कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन मैं मान के चलो कि यहाँ पे कोरिलेशन क्या है 0.5 है तो वो वेट्स के अकॉर्डिंग इसका एक्स और वाई का देखो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है रिस्क होता है 17.32 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा ये फिगर आपको मिल जाएगा ठीक है। तो अभी देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 17.32 है ठीक है, ये कम हो गया राइट कंबाइंड करने पे, और इन दोनों का क्या था 20-20% ये 40% था टुगेदर दोनों का रिस्क अलग अलग ठीक है। तो ये सब आइडेंटिटिविटी जो भी रिस्क मेजरमेंट होगा अगर वो फॉलो करेगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोहरेंट रिस्क मेजर बोलेंगे ठीक है। नाउ नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है, दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव होमोजेनिटी ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये देख लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि इफ़ यू डबल योर पोर्टफोलियो देन यू डबल योर रिस्क ठीक है। आपने पहले 100 रुपये लगाया था ठीक है और उस पर 20% का रिस्क था ठीक है, अब आपने उस पैसे को डबल कर दिया 200 कर दिया ठीक है, तो आपका रिस्क भी डबल हो जाएगा बिकॉज उसी अनुपात में आपका पैसा भी डूबने के चांसेस हैं ठीक है। तो ये रूल भी फॉलो करना चाहिए, तो उस रिस्क मेजरमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग कोहरेंट रिस्क मेजर बोलेंगे ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, रिस्क ऑफ अ पोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज ठीक है, वही साइज मतलब दोगुना कर दिया तीन गुना कर दिया तो रिस्क भी उस अनुपात से ही बढ़ेगा ठीक है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा मैं इक्वेशन इसलिए आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज ये एग्जाम में आपको लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करके समझ के लिखिएगा सारी चीजें मैं समझा दे रहा हूँ आपको, समझ जाइएगा फिर कोई गलती नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्या था, पहले एक्स पोर्टफोलियो था उसका रो था यानी रिस्क था ठीक है, अभी उस पोर्टफोलियो को मैंने मैग्नीफाई कर दिया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया लामडा से, लामडा का मतलब एक हो सकता है, एक गुना कर दिया दो गुना कर दिया तीन गुना कर दिया, तो उसको जनरलाइज मैंने कर दिया उसकी जगह मैंने लामडा लिख दिया ठीक है। तो ये करने के बाद जो हमारा ये होगा जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा वो हो जाएगा उसी अनुपात में बढ़ेगा, तो लामडा बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई रो ऑफ एक्स दैट इज रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे देखो पोर्टफोलियो पहले एक्स था जिसमें 1000 रुपये में इन्वेस्ट किया हुआ था, स्टैंडर्ड डिविएशन 20% था, तो अमाउंट ऑफ रिस्क कितना था 1000 का 20% दैट इज 200 राइट। जैसे ही मैंने इसको मैग्नीफाई किया दोगुना किया ठीक है, तो यहाँ पे 20% स्टैंडर्ड डिविएशन तो सेम रहेगा पोर्टफोलियो सेम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है ठीक है, यहाँ पे आपको वाई की जगह एक्स मान के चलना है ठीक है, यहाँ पे एक्स सेम पोर्टफोलियो को मैंने दोगुना किया तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिस्क कितना हो जाएगा 2000 का 20% दिस विल बी 400 राइट। सेम इक्वेशन है मैग्नीफाई हो जाता है, रिस्क ऑफ पोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ट्रांसलेशन इनवेरियंस ठीक है। ट्रांसलेशन इनवेरियंस का मतलब समझिए ये क्या होता है, ये कहता है कि ट्रांसलेशन इनवेरियंस इंप्लाइज दैट द एडिशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैश रिड्यूसेस द रिस्क बाय द सेम अमाउंट ठीक है। अब अपने पोर्टफोलियो में क्या किया, कैश को ऐड कर दिया ठीक है, तो कैश को ऐड करने से क्या होगा, कैश का मतलब क्या होता है, ये आपका पैसा है ठीक है राइट, और कैश का मतलब ये भी होता है कि आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ठीक है। अगर आपने पोर्टफोलियो दिखाया है और पोर्टफोलियो में कुछ कैश मेंटेन कर रहे हैं दैट मीन्स दैट मनी इज नॉट गेटिंग इन्वेस्टेड इन टू द मार्केट राइट। सो अगर एडिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कैश आपके पोर्टफोलियो में होता है तो वो रिस्क को सेम अमाउंट से मिनिमाइज कर देता है, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एडिशनल एडिंग कैश रिड्यूसेस रिस्क ठीक है। इसको एग्जांपल से समझिए, पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लीजिए वो क्या होता है ठीक है। पहले तो पोर्टफोलियो एक्स था ठीक है, उसका रो था मतलब उसका रिस्क था, जब एड कर दिया तो पोर्टफोलियो एक्स प्लस कैश बन गया, अब उसका रिस्क हम लोग असेस करने की कोशिश करेंगे राइट। नाउ दिस विल बिकम रो ऑफ एक्स जो पहले पोर्टफोलियो था माइनस, ये क्या कर रहा है, जो पहले का जो रिस्क था उसको घटा दे रहा है उसी अमाउंट से जितना कैश हमने उसमें डाला है ठीक है। तो नया जो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क हो जाएगा दैट विल बी लेसर देन द अर्लियर रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ एडिंग द कैश ठीक है, एंड दिस रिस्क विल बी लेसर देन द सेम अमाउंट व्हाटएवर वी हैव एडेड इन द पोर्टफोलियो ठीक है।
इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे देखिए पोर्टफोलियो एक्स था, उसमें 1 लाख रुपीज़ था और कैश कुछ नहीं था उसमें पहले, और स्टैंडर्ड डेविएशन 20% था, तो अमाउंट ऑफ रिस्क कितना था? 1 लाख का 20% 2 लाख, राइट? तो रिस्क परसेंट कितना है? 20% है अभी। अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 लाख जो पहले से था, और प्लस कैश इसमें ऐड कर दिया है कितना, 20,000। स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही रहेगा, राइट? अब देखो अमाउंट ऑफ रिस्क कितना हो गया, अमाउंट ऑफ रिस्क कितना रहेगा, अब यही 1 लाख रुपये इन्वेस्टेड है मार्केट में, राइट? तो अमाउंट ऑफ रिस्क तो यही रहेगा 20%, दैट इज 20,000, ठीक है? बट अब रिस्क परसेंटेज ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो कितना हो गया, दिस विल बी 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ठीक है? 1,20,000, बिकॉज पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1,20,000 हो गई है, ठीक है? 20,000 कैश है आपके पोर्टफोलियो में जो कि इन्वेस्टेड नहीं है, तो उस पर कोई रिस्क नहीं होगा, जो इन्वेस्टेड ही नहीं है, कैश है वो, उस पर रिस्क किस चीज का, राइट? तो आपका जो टोटल रिस्क होगा वो देखो घट गया 17%, राइट? पहले रिस्क 20% था, अभी वो रिस्क घट गया है, ठीक है? वही लिखा हुआ है इसमें, दैट एडिशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैश रिड्यूसेस द रिस्क बाय द सेम अमाउंट, ठीक है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इन चीजों को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, कौन कौन से क्राइटेरिया थी, एक तो मोनोटोनिसिटी था, राइट? सेकेंड था आपका सब एडिटिविटी, थर्ड वन वॉज योर पॉजिटिव होमोजेनिटी, एंड फोर्थ वन इज योर ट्रांसलेशन इनवेरियंस, ठीक है? ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो कह सकते हैं कि आपका जो वो रिस्क मेजरमेंट का तरीका है, ठीक है, वो कोहरेंट इन नेचर है। और आपको ये भी मैं चीज़ बता दूं कि जो वार आपने जो रिस्क असेस करने का जो तरीका सीखा है वो कोहरेंट नहीं होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर एग्जाम में आपसे टेस्ट कर ले, पूछ ले कि इज वार अ कोहरेंट रिस्क मेजर, तो आपको बोलना है नो, वॉर इज नॉट अ कोहरेंट रिस्क मेजर, बिकॉज वॉर जो है वो मैं आपको बता दूं यहां पे इस पार्टिकुलर क्राइटेरिया को किस पार्टिकुलर सब एडिटिविटी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बाकी 3 क्राइटेरिया को तो फुलफिल करेगा, बट ये सब एडिटिविटी को फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए वॉर को हम लोग कोहरेंट रिस्क मेजर नहीं बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। विद दिस आई फिनिश दिस सेशन, कुछ वीडियोस और अपलोड करूँगा, सो कीप वॉचिंग वीडियोस एंड डू वेल, थैंक यू सो मच।